सत्ता में आप आ जाएंगे। मैं मानता हूं सत्ता का अंगणित अलग होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं, सामाजिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं। इस मुल्क की जो तामीर थी हम उसको खो चुके हैं। जिस मुल्क में नाम लेने से पहले किंतु परंतु करना पड़े, एक जुनैद के साथ एक पंकज को जोड़ना पड़े, अरे पंकज के लिए भी बोलो जुनैद के लिए। अभी भरतपुर में हो, मैं दिख रहा हूं लोग नाम नहीं ले रहे हैं साहब, बोलो ना नासिक जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, वो सर काम नहीं करेगा। जब ओरिजिनल रहेगा तो फेक और फोटोकॉपी किसी को नहीं चाहिए। हम आज हार जाए लेकिन जब कभी कोई रिसर्च आज से 100 साल बाद करेगा तो ये तो समझेगा कि हिंदुस्तान में उस वक्त की हुकूमत में कम से कम चंद लोग इन चीजों पर अपना पक्ष रखते थे। कल को मैं सभा का मेंबर नहीं रहूंगा लेकिन मेरी नागरिकता तो कोई नहीं लेगा ना उसे। मैं बाहसियत एक नागरिक के रूप में यहां वो भी हूं, और एक नागरिक के रूप में मुझे कश्मीर पर भी बोलना होगा, एक नागरिक के रूप में मुझे दलितों पर बोलना होगा। अमृतकाल इस देश के लिए हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अमृत हमेशा के लिए नहीं है। हमने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े लीडरान देखे हैं जो कहां दफन हो गए, आज कोई नाम लेवा नहीं। मैं हाल में सदन में चर्चा हो रही थी, मैंने एक एक करके नाम लिए थे, ये सारे नाम, और ये नाम लेना जरूरी था, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाना जरूरी था। हम आज हार जाए लेकिन जब कभी कोई रिसर्च आज से 100 साल बाद करेगा तो ये तो समझेगा कि हिंदुस्तान में उस वक्त की हुकूमत में कम से कम चंद लोग इन चीजों पर अपना पक्ष रखते थे। हमें अब वर्तमान से ज्यादा आने वाले इतिहास की भी चिंता है। जिस देश में बुलडोजर सेलिब्रेट किया जाए, और माफी के साथ कहता हूं सलमान साहब, आपने कहा कि हम सबको इकट्ठा होना, बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स के लिए अगर बीजेपी की फोटोकॉपी हेजी फोटोकॉपी बनेंगे तो मुश्किल होगी। फिर क्यों हटे बीजेपी, बरकरार रहे उसी तेवर के साथ? हम बीजेपी को हटा करके, मोदी जी को हटा करके एक दूसरे मोदी तो नहीं लाएंगे ना? और अभी हाल में मैंने योगेन भाई का एक आर्टिकल पढ़ा, योगेन भाई आर्टिकल पढ़ा या इंटरव्यू देखा, आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि बीजेपी से अलग होने, अलग पार्टी होने का मतलब नहीं है कि वो बीजेपी की विचारधारा के विकल्प के रूप में भी। आज हम सब दिल्ली में भी गिरफ्तारी के विरोध में हैं, हमें लगता है कि सीबीआई आनुषंगिक संगठन की तरह व्यवहार कर रही है, लेकिन हम दिल्ली दंगों के दौरान के भी सच को आज याद रखें। ये नहीं हो सकता है ना कि एक वक्त पे आप चुप्पी ले रहे हैं। वो वक्त होता है एग्जामिनेशन का। अगर तराजू पे तौल के इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी की दिशा पे आप सारे निर्णय लेंगे तो दुनिया का इतिहास गवाह है कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ने जो निर्णय लिए वो उस मुल्क के लिए 50 साल बाद अच्छे साबित नहीं हुए, 30 साल बाद अच्छे साबित नहीं हुए। ये तय तो करना होगा हमें। अक्सर भी देखता हूं लोग साफ तौर पर मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, आप लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं रहा। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में 1 व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर 1 बच्चे के लिए उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे, नहीं देख रहे, आप तो घर में खुद आग लगा रहे हैं, और ये आग ऐसी है जिसके लिए कोई अग्निशामक यंत्र काम नहीं आता। फिर हम सब बैठ करके कब्रिस्तान में बैठ करके कहेंगे कि ये क्या किया हमने अपने साथ, अपने देश के साथ। तो एक तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, सब अभी भरतपुर में हो, मैं दिख रहा हूं लोग नाम नहीं ले रहे हैं साहब, बोलो ना नासिर जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, वो सर काम नहीं करेगा। जब ओरिजिनल रहेगा तो फेक और फोटोकॉपी किसी को नहीं चाहिए। फोटोकॉपी क्यों बनना है?
एक और इलेक्शन हार जाएंगे, यही होगा ना, तीन इलेक्शन लगातार हार जाएंगे, कम से कम देश तो नहीं हारेंगे ना। ये तो लगेगा ना कि 40-42-45% लोग अभी भी उस राजनीति के साथ नहीं है, खुल करके बोल रहे हैं। वो मादा, वो मिजाज उसको लगता है तैयार करना होगा। और ये जो अक्सर नफा नुकसान वाली चीजों के कारण बहुत शाम की डिबेट क्यों जाना जरूरी है, मेरी पार्टी ने लगभग छोड़ दिया, क्यों जाए उस डिबेट में जिसमें जैसा कि आपने कहा त्यागी जी सब कुछ पहले से तय है। और मैं तो अपने कई सारे मेरे मित्र हैं एंकर, उनसे उनकी शिकायत क्या करना, उन्हें तो एक स्क्रिप्ट मिली हुई है, वो उसके आगे नहीं जा सकते, उसके पीछे नहीं जा सकते, उसके दाएं नहीं जा सकते, उसके बाएं नहीं जा सकते। लेकिन हम आप कुछ फैसले ले सकते हैं और वो फैसले हम नहीं ले रहे हैं। हम वो फैसले इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि जो डर भाजपा फैलाना चाहती थी आपने उस डर को अंगीकार कर लिया, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अंगीकार कर लिया, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरे तरीके अख्तियार कर लिए। बाहैसियत हम सबसे पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं, कल को मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं रहूंगा लेकिन मेरी नागरिकता तो कोई नहीं लेगा ना उससे, मैं बाहैसियत एक नागरिक के रूप में यहां हूं वो भी हूं। और एक नागरिक के रूप में मुझे कश्मीर पर भी बोलना होगा, एक नागरिक के रूप में मुझे दलितों पर बोलना होगा, क्योंकि शेक्सपियर का कहना वो जो है ना अभी आ जाए वो इंडिया में, कहते थे ना कि देयर इज नथिंग इन नेम, प्लीज कम हियर, वी हैव एवरीथिंग इन नेम एंड समथिंग मोर इन सरनेम। नाम और सरनेम का खेल इस देश में चल रहा, और तब भी हम कहते हैं कि हमें इस राजनीति में थोड़ा सॉफ्ट वर्जन बन करके अपनी जगह तलाशनी है। और एक बार सत्ता में आ गए, नहीं साहब सत्ता में आप आ जाएंगे, मैं मानता हूं सत्ता का अंगणित अलग होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं, सामाजिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं, इस मुल्क की जो तामीर थी हम उसको खो चुके हैं। जिस मुल्क में नाम लेने से पहले किंतु परंतु करना पड़े, एक जुनैद के साथ एक पंकज को जोड़ना पड़े, अरे पंकज के लिए भी बोलो जुनैद के लिए भी बोलो, कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जब तक हम इसको नहीं समझेंगे मैं समझता हूं कि मुश्किल होगी। मैं अक्सर इन मौकों पे साथियों आपके साथ रहा हूं, मेरी पूरी पार्टी भी वी वॉच फॉर इट। तो इस हकीकत को स्वीकार करते हुए हम कानूनी लड़ाई के लिए हमारे पास ऐसे लोग हैं, सलमान भाई हैं। सलमान भाई आप लोगों को भी एक आग्रह मैं करूंगा कि लॉयर्स की एक पूरी टीम इन केसेस को, मैं जानता हूं आप प्रो बोनो केसेस लेते हैं लेकिन एक पूरी टीम अवेलेबल हो, क्योंकि अक्सर उस दौर में कुछ नोट शेयर किए थे हमने नदीम ने भी आपस में, मेरे पार्टी का एक लड़का मीरान हैदर वो मेरे साथ दिल्ली राइट के टाइम में रिलीफ के काम में या कोरोना के वक्त में रिलीफ के काम के लिए मैं डिपेंडेंट रहता था उससे, वो जेल में, मैं लाइटर वेन में कहता हूं उसको अगर कमरे में एक मच्छर के साथ छोड़ दो तो मच्छर नहीं मार सकता, और आपने उसको कॉन्स्पिरेसी में डाल दिया, जो ख्वाब में उसने कभी नहीं सोचा वो आपके ख्वाब में आ गया, जो बता रहे थे योगेंद्र भाई फेरी टेल में पूरी की पूरी आपकी जांच चल रही है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा नरगिस आपका पेन ये आपका व्यक्तिगत नहीं रहा, ये इस दौर का दर्द है, ये हम सब का है। हम डे टू डे लेवल पर आपसे मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि इस दौर में भी एक बहुत बड़ी आबादी, और मानिए जितनी आबादी वोट करती है बीजेपी को उससे बड़ी आबादी आपके दर्द के साथ है। बस ये है कि वो जो बड़ी आबादी है ना जो आपके दर्द के साथ है वो इन दिनों थोड़ा चुप ज्यादा रहने लगी है, सड़कों पे आना बंद कर दिया है, वो रवायतें बहाल करनी होंगी।